ठंडे मौसम में खट्टे मीठे लाल लाल अनार खाने का मज़ा ही अलग है, क्योंकि ये बहुत मज़ेदार होते हैं। अनार को आम तौर पर जन्नत का फल कहा जाता है। इसकी आफियत भी बेपनाह है। माहिरीन के मुताबिक अनार एंटीऑक्सीडेंट है, जो अपने दानों में ही आफियत नहीं रखता, बल्कि उसके छिलके भी इतने ही कारामद हैं। इसमें फास्फोरस, सोडियम, कैल्शियम, सल्फर, आयरन, विटामिन ए, विटामिन बी, सी, फोलाद और हाइड्रोक्लोरिक एसिड पाया जाता है, जो आपके जिस्म के मुख्तलिफ अफहाल को बेहतर बनाने में मदद देता है। अनार खाने के बाद इसके छिलकों को सब ही फेंक देते हैं, लेकिन कोई ये नहीं जानता कि इन छिलकों से आपको किस किस्म के फायदे हासिल हो सकते हैं। जली हुई जिल्द इसके छिलकों को रात भर पानी में भिगो दें और सुबह उठकर उन्हें चेहरे पर लगाएं और 20 मिनट बाद मुंह धो लें। आप देखेंगे कि चेहरे की जली हुई रंगत पर कुछ ही दिनों में अफाका नजर आएगा। बर्ज के निशानात, जिस्म पर सफेद धब्बे, ये बर्ज के निशानात को हल्का करने में अनार के छिलकों का पाउडर बहुत मुफीद है। पेशाब के मसाइल, अनार के छिलकों को एक गिलास पानी में भिगोकर पीने से पेशाब ना आना या रुक रुक कर आने के मसाइल को कंट्रोल करता है। सियाबतीस, इसका इस्तेमाल सियाबतीस के मरीजों के लिए भी मुफीद है, क्योंकि ये जिस्म में बनने वाले इंसुलिन को कंट्रोल करता है। भूख ना लगने की तकलीफ, भूख ना लगने की तकलीफ में अनार के छिलकों का पाउडर बहुत मुफीद है। ये गजा की नाली में मौजूद इजाफी गैस को खारिज करता है, ताकि भूख लगे। दिल को ताकत देता है और जिस्म में साफ खून पैदा करता है। खून में मौजूद हेमोग्लोबिन को कसूफतों से पाक करने में सबसे मुफीद है। उम्मीद है ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर और बेल आइकॉन पर भी लाजमी प्रेस कर दें। तो मिलते हैं इस तरह की एक और वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दे इजाजत। अल्लाह हाफिज़।